السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो शायद ना पढ़ा हो, इसलिए याद दिला दूँ। अटोमिक रेडियाई की बात हो रही थी हमारी, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी और मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी। डाउन द ग्रुप, यानी अगर मैं यहाँ आपको याद दिलाऊँ तो डाउन द ग्रुप हमारा जो है वो अटोमिक रेडियस इनक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज यानी ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं और हमारे पास इस तरह यानी अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनका जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है। अच्छा जी, अटोमिक के बाद हमारे पास अच्छी खासी चीजें जो है वो कवर हो गई हैं। अब सिर्फ रह गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह गया शायद, हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आवाज अच्छी नहीं आ रही, क्या हो गया? चलिए थोड़ा जोर जोर से बोलना शुरू कर दूंगा मैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, कि भाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है। यार वो पेट में कुछ नहीं गया ना इस वक्त, खाना नहीं खाया हुआ तो इसलिए आवाज शायद ऐसी हो गई। यार यार ये 2020 कौन है? 2020 बेटा, 2020 पे फिल्म ही हो गई है इस साल हमारे। बेटा तो खतीजा आप ही हो 2020। ठीक है, तो बेटे एक काम करो ना, आपने डबल डबल कनेक्ट किया हुआ है ना, ठीक है जी, मैंने सही कर दिया, अब आप आराम से क्लास ले जाए। अच्छा जी, तो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, कि हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहेंगे किसे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात आ गई।
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भाई? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद क्या करें, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लें और सामने वाला यानी जो सामने जो दूसरी चीज है वो क्या करे, किसी को गेन करवा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसीलिए हमारे जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं, ठीक है जी, जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं भाई, वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद कि वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और सामने वाले को गेन कराएंगे। यानी अगर हम बात करें कि भाई Na और Cl का रिएक्शन हुआ तो बना क्या, NaCl। Na और Cl का रिएक्शन हुआ, बना क्या, Na और Cl। अब Na पे चार्ज आया पॉजिटिव, Cl पे चार्ज आया नेगेटिव। अब Na ने लॉस किया तो सोडियम ने लॉस किया, तो ये हो गया कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl2 ने गेन किया तो इसीलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हर जगह जहां कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमारे जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट हैं भाई, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई, क्योंकि उनके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। उनकी जो IP है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, उनकी वैल्यूज कम थी, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल कि भाई मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इसमें सबसे अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी किसकी होगी, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कौन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम में? नहीं बेटे, लिथियम नहीं होगा। हाँ, सीजियम होगा। क्यों होगा? हाँ भाई, सीजियम क्यों होगा? लिथियम की आयोनाइजेशन की पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 525, सीजियम की है +305। यानी सीजियम जो है उसको कम एनर्जी चाहिए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लिथियम को ज्यादा चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कौन, सीजियम। अच्छा, एक और बात भी देख सकते थे ना, अगर आप अगर थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते अपनी, कि भाई लिथियम का साइज छोटा है, स्मॉल आयोनिक साइज, या स्मॉल साइज लिख देते हैं, चलो आयोनिक तो बाद में लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल साइज। और इसका साइज क्या है भाई, बड़ा है, लार्ज साइज। तो आप ये भी तो कह सकते थे ना भाई कि जिसका साइज बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियर से अट्रैक्शन उतनी कम होगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा। तो ये तो पुरानी बातें जो अब रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पूरी चार्ज डेंसिटी पढ़ाई ना, वो चार्ज डेंसिटी से रिलेट करता है ये पूरा मामला, कि भाई अब हमारे पास जो है मामला कुछ इस तरह से हो गया कि भाई हमारे पास जो है वो साइज बढ़ता चला जाएगा तो उसके रिड्यूसिंग की जो सलाहियत है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है भाई बात? चलें, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख दूं भाई। डेफिनेशन हम यहाँ लिख लें इसकी भाई, फटाफट लिख लेते हैं डेफिनेशन हम इसकी।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन आप लिख लोगे अपने पास कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भाई, अगर मैं आपको एक सेल, आप ये डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे एक सेल बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ एक बनाया सेल, ठीक है जी, अंदर मैंने लगाए दो इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला होगा एनोड और नेगेटिव वाला होगा कैथोड। पॉजिटिव वाला होगा एनोड और नेगेटिव वाला होगा कैथोड। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपर का ले लूं और मैं ये जिंक का ले लूं, तो हम क्या करते हैं, इन मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं, इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं। और पोटेंशियल क्या होता है भाई, कि अगर मैं कॉपर को इतनी एनर्जी दूं कि वो लॉस कर ले या गेन कर ले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम वैल्यूज देखें तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कन्वेंशन, अगर हम बात करें क्या बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से मुराद के फिक्स कर दिया हमने कि भाई हम अब सिर्फ इन सबको एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे, इनको जितनी भी वैल्यूज हैं इन्हें रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.77 वोल्ट्स। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है भाई? +0.77 वोल्ट्स। ये इसका कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसी को मैं पलट दूं, इसे मैं लिख दूं -0.77, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी इतना पोटेंशियल दूंगा तो ये रिडक्शन कर देगा, और इतना माइनस में पोटेंशियल दूंगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये एक कन्वेंशनली हम पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं, जो आपने कैलकुलेट करना सीखा चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में, और वो हमारा जो चैप्टर था सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वहां पर आप लोग दो सवाल करते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बेस बनाकर, हाइड्रोजन को बेस बनाकर उसके आगे और उसके पीछे कुछ पोटेंशियल आ गए। अब हाइड्रोजन से पहले वाले सारे पोटेंशियल क्या हैं? नेगेटिव। और हाइड्रोजन के बाद वाले सारे पोटेंशियल क्या हैं? पॉजिटिव। हाइड्रोजन से पहले वाले जितने भी हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन से, सॉरी, हाइड्रोजन के बाद वाले जितने भी हैं वो पॉजिटिव, और हाइड्रोजन से पहले वाले हैं वो क्या हैं? नेगेटिव। और हाइड्रोजन की हमने क्या बना लिया? 0.0। यानी हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को लेकर हमने सबको पोटेंशियल्स मालूम करें। तो जिनका नेगेटिव पोटेंशियल होता है,
जिनका नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिनका नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जिनका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हमारे जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उन सब का जो पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव। हमारे जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उन सब का पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास ये सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर इनके एक टेबल बना हुआ है, किताब में भी बना हुआ है, पेज नंबर 26 पर आप लोग देखिएगा। ठीक है जी, कि वहां पे उनके पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं। हमें पोटेंशियल्स याद करने की जरूरत नहीं है। हमें मुझे यहाँ जो बात समझानी है वो ये है कि हर मेटल का जो है ना वो इलेक्ट्रोड बन सकता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर का वायर ले लूं, कॉपर की कोई रॉड ले लूं तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आयरन है, आयरन की मैं कोई वायर ले लूं, आयरन का कोई रॉड ले लूं तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसी तरह जिंक की रॉड या जिंक का वायर ले लूं, इलेक्ट्रोड बन जाएगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम का बन जाएगा, गोल्ड का बन जाएगा, सिल्वर का बन जाएगा। यानी इन सब मेटल्स के इलेक्ट्रोड बन सकते हैं, मगर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रोड नहीं बनते। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रोड्स नहीं बनते। अब क्यों नहीं बनते, उसकी वजह है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल का पोटेंशियल इतना नेगेटिव है, इनका पोटेंशियल इतना नेगेटिव है कि ये फौरन से क्या कर लेते हैं, लॉस। और फौरन से लॉस करने की वजह से, फॉरन से लॉस करने की वजह से ये एक्सप्लोजिव या वॉयलेंटली रिएक्शन करते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी कि हमारा जो सोडियम मेटल, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या करता है। तो क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है, एक्वस होते हैं। इसीलिए अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रोड्स मौजूद नहीं है। तो पेपर में सवाल आता है कि वाई नो, वाई सवाल आता है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल। मैं सवाल लिख देता हूं यहाँ पे कि रीजन आता है हमारे पास कि वाई अल्कली मेटल्स, सिर्फ अल्कली मेटल्स का लिख देता हूं कि वाई अल्कली मेटल्स आर नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल उसी को कहते हैं जो अभी मैंने ऊपर बनाया, ये तो भाई क्यों यूज नहीं होते, हम यहां पे इसका जवाब लिख देते हैं, बिकॉज दे हैव हाई प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या हम ये कहते हैं कि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। तो इसलिए इनका रिएक्शन क्या होता है भाई, वॉयलेंट रिएक्शन होता है। तो इसीलिए हम इन्हें एज एन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं करते। तो हम यहां लिख देते हैं बिकॉज ऑफ रैपिड ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ रैपिड ऑक्सीडेशन विथ वॉटर। इतनी सी बात काफी है ना। अब आपने वर्डिंग क्या लिखनी है, अब वर्डिंग क्या लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स आर नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल बिकॉज ऑफ देयर रैपिड ऑक्सीडेशन विथ वॉटर। ठीक है भाई, मैंने सिर्फ एक बात लिख दी जो आपने लिखनी है, बाकी बात पूरी ऊपर से आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। तो पेपर के लिए रीजन है भाई, है किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे।
हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्कली मेटल्स के अलावा इसलिए होते हैं इलेक्ट्रोड्स क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो वॉयलेंट रिएक्शन नहीं करते, वो रैपिड ऑक्सीडेशन नहीं करते, इसलिए। बेटा कुमैल अब्बास, आपने क्वेश्चन मार्क भेजा है तो क्वेश्चन मार्क से पहले सवाल लिखना भूल गए आप? रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ठीक है, और जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करें और सामने वाला गेन कर ले। यानी फॉर एग्जांपल आप और मैं, अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं और आप जो है वो सामने में रिएक्शन कर रहा हूं, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा तो आप गेन कर लोगे। इसकी बड़ी आम एग्जाम्पल स्टेट एजेंट है। स्टेट एजेंट का क्या काम होता है? स्टेट एजेंट का काम होता है घर दिलाना, वो फिर किराए पे हो या खरीदवाना हो, स्टेट एजेंट है ना वो क्या करता है, घर दिलाता है। किसको दिलाता है? पार्टी को दिलाता है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो सामने वाली पार्टी को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बोला ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो। रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो, तो वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो सामने पार्टी जो है ना वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले पार्टी से बोलेगा भाई आपने ऑक्सीडेशन करनी है। तो इसको दो बातें इस तरह से याद रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाँ, ग्रुप टू के भी इलेक्ट्रोड्स नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कर लेते हैं। अच्छा, पेपर के लिए ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स का वर्ड यूज कर लेते हैं ज्यादातर। मैंने यही देखा है कि वाई अल्कली मेटल आर नॉट यूज एज एन इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल, ज्यादातर सवाल यही आया है पेपर में। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनते हैं ना, उनकी एक सीरीज होती है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इनकी पूरी एक सीरीज होती है। अगर हुआ तो मैं ग्रुप पर एक तस्वीर भेज दूंगा जिसमें सबसे नेगेटिव लिथियम का है और सबसे पॉजिटिव फ्लोरीन का है। सबसे नेगेटिव लिथियम का है और सबसे पॉजिटिव जो है ना वो फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रखता है सबसे ज्यादा, और सबसे नेगेटिव जो है वो कौन रखता है भाई, हमारा नेगेटिव वाला, हमारा क्या नाम है, लिथियम, ठीक है जी। तो ये इतनी सी बात थी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा जी, चलें आगे चलें। अगली प्रॉपर्टी जो है ना वो है डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी आप लोगों को पता है कैसे कहते हैं भाई, डेंसिटी डेंस कितना है। तो हमारे अल्कली मेटल्स में ग्रुप 1A के अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, ये बातें मैं सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड बताता हूँ बस, बाकी इसमें पेपर में और कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए इसको मैं थोड़ा फास्टली लेके चलूंगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो तीन है ना, ये है ना लेस डेंसर देन वॉटर। ये पानी से भी कम डेंस है, यानी पानी ज्यादा डेंस है इससे। इसका मतलब ये पानी में डूबेंगे नहीं, ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं भाई, फ्लोट ऑन वाटर। अच्छा, पेपर में रीजन आ जाए तो वो पूछ लें आपसे कि वाई लिथियम या वाई सोडियम एंड वाई पोटेशियम, या वो ये लिखते हैं वाई अल्कली मेटल्स फ्लोट ऑन वाटर, वो फ्लोट क्यों करते हैं वाटर पे, ड्यू टू लेस डेंसिटी देन वाटर, ठीक है जी। इतना सा सवाल होता है, छोटी सी बात होती है। आपने अगर वही बात नहीं लिखी और पूरी कहानी लिख दी ना पूरे सफ़े की, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। रीजन मैं कहता हूँ अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, मैं तो ये पर्सनली कहता हूँ कि रीजन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी ना, तो वीडियो में हमारे पास आपने देखा होगा कि कुछ
मेटल्स थे जो फ्लोट कर रहे थे ना, जैसे लिथियम जो है वो ऊपर ही घूम रहा था पानी के, सोडियम भी घूम रहा था पानी के ऊपर, तो वो घूमते क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से कम है, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं। अच्छा, यूज तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते इनको बेटे, हम कहाँ यूज करेंगे? हमारी कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन खैर है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बट बड़ी अपर लेवल पर जाकर होती है, तो इंटरमीडिएट लेवल पे तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं है इनका। और एक चीज और, हम लिथियम सोडियम और पोटेशियम को ना स्टोर पानी में नहीं करते, या हम इससे ऐसे ही बॉटल में नहीं रख देते, हम इन्हें स्टोर ना ऑयल में करते हैं या किसी ऑर्गेनिक में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो हम इसीलिए इनको किस में रखते हैं, हम इन्हें ऑयल के अंदर रखते हैं। और ऑयल में रखने की वजह से फायदा ये होता है कि पानी इनके ऊपर वो नहीं करता कोई रिएक्शन, तो इसीलिए ये वॉयलेंट रिएक्शन नहीं करते। तो पेपर में या एमसीक्यूज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई हम जो है वो अल्कली मेटल्स को कहाँ रखते हैं या कहाँ स्टोर करते हैं, तो भाई ऑयल में स्टोर करते हैं अल्कली मेटल्स को। अच्छा, ये सिर्फ वैसे जनरल नॉलेज वाली बात थी। तो भाई व्हाई अल्कली मेटल्स फ्लोट ऑन वाटर? बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी देन वाटर, इसकी जो डेंसिटी है वाटर से कम है, इसीलिए ये तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक को हम लोग सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। ऐसा है, एस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट मेटल कहते हैं। अब इस सॉफ्ट मेटल वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा भाई, कम क्यों है? क्यों? सॉफ्ट मेटल है ना, इतने सॉफ्ट होते कि हम इन्हें छुरी से काट रहे होते हैं। यानी जब हम अपनी केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो हमारे पास जब बड़े बड़े पीसेस आ जाते थे तो हम छुरी से काट देते थे, हम ये जो हमारा स्टील वाला स्केल आता है ना, उससे भी काट देते थे। तो हमारे पास जो है वो स्टील से या किसी भी हमारे छुरी से आराम से कट जाते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए भाई? लो होना चाहिए। जैसे मैं लोहे से इसका कंपैरिजन करूं, या मैं कॉपर से कंपैरिजन करूं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस कौन से मेटल का है? याद है किसी को हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? भाई क्या हो गया, तुम तो लोगों के जवाब नहीं आ रहे आज। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का था? चैप्टर नंबर 2 में बताया था मैंने। टंगस्टन मेटल था जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था, और वो था 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, टंगस्टन मेटल था जिसका जो था हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था वो था 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉफ्ट मेटल्स जो है ना, जिसमें लिथियम, लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है 180, सोडियम का जो होता है वो होता है 98, फिर पोटेशियम का 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो अल्कली मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका थोड़ा और ज्यादा होता है। क्यों? उनका साइज बड़ा है, इसीलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली इनका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, तो इसके उनका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा
ज्यादा होता है। तो बस यहाँ एक बात जो याद रखनी है आपको वो ये है कि भाई ये फ्लोट क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर लेस डेंसर देन वाटर। यहाँ पर इनकी ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, यानी ग्रुप ट्रेंड खत्म हो गया। ग्रुप ट्रेंड में मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पढ़ाई, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पढ़ाई, हाइड्रेशन इंथैल्पी पढ़ाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई से मुतालिक बात हुई हमारी, और फिर आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने क्या क्या रिएक्शन कराने, ये काम मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आएंगे। क्या पढ़कर आएंगे कि भाई हम इनका रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, H2 से रिएक्शन करवाएंगे, हम करवाएंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ो अभी, ऑक्सीजन को बाद में करते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजन्स, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन N2, अब आते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी O2, और रिएक्शन विथ वाटर। ये आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आओगे, कम से कम ये तीन जो है ना, ये तो आप लोग मुझे बताओगे कि अगर मैं 1A का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराऊंगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, 2A का कराऊंगा तो क्या कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बातें हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर ली है। तो यानी चैप्टर नंबर 2 का आप आयोनिक हाइड्राइड पढ़ोगे, फिर हेलोजन वाली बात तो मुझे पता है आप लोग बच्चों वाली बता देंगे। ये बात आप लोग खुद से देखोगे कि भाई नाइट्रोजन का 1A से रिएक्शन होगा तो कितने नौ वो लग रहे हैं, वो सारी बातें देखनी है आपको। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक रफली एक बताया था कि 1A से क्या रिएक्शन होता है, 2A से क्या होता है, 3A से क्या होता है, 4A से क्या होगा, 5A से क्या होगा, 6A से क्या होगा और 7A से क्या होगा। तो इस तरह से इन रिएक्शन को जरा देख लेना। ये दो बातें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट इन तीन को आप लोग कम से कम थोड़ा सा पढ़ के आओगे, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ लो यार। आप लोगों का इंटर यानी आप लोगों का सेकंड ईयर ही सब कुछ है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आपके सेकंड ईयर पे बेस करता है। तो यानी अगर आप अपना सेकंड ईयर अच्छा करोगे तो ही फर्स्ट ईयर अच्छा है, और सेकंड ईयर गया तो फर्स्ट ईयर गया। यानी इसका आप ये माइंड में अपने रख लो कि अल्लाह ना करे रिजल्ट खराब आता है ना, रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपका जो पिछला साल जाया हुआ है ना, उसके बाद आपको एक आगे और साल जाया करना पड़ जाएगा। अभी मेरे पास इतने बच्चे ऐसे मौजूद हैं और इतने बच्चे मुझे अभी कह रहे हैं कि सर हमें पर्सनली पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं वो, या हो सक वो कुछ हो रहे हैं जो पूरे पूरे छः छः पेपर इम्प्रूव कर रहे हैं। वो इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं कि भाई उनकी जो सेकेंड ईयर में अभी परसेंटेज बनी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उनकी फर्स्ट ईयर अच्छी नहीं थी। अब फर्स्ट ईयर में उनकी परसेंटेज थी, मेरे दो तीन दोस्त जैसे दोस्त जैसे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल, यानी मैंने बड़े उनको अच्छे से पढ़ाया, तो उनकी तीन तीन पेपर रुके हुए थे। मैंने पिछले साल उन लोगों को रात में ना 12 बजे फारिग होने के बाद भी पढ़ाया, यानी मेरे घर पे आते थे पढ़ने 12 से 1-1.5 बजे तक मैं उन लोगों को बैठ के पढ़ा रहा होता था। तो मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि वो अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर दें, बट खैर ये कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए। उनकी परसेंटेज क्या बननी है, 43.8, और इस साल HEC ने ये कह दिया कि कोई भी यूनिवर्सिटी 45 से कम वाले को एडमिशन नहीं देगी। तो भाई एक बड़ा अलमिया है, अभी वक्त है, ठीक है, अभी बहुत अच्छा वक्त है, तो पढ़ सकते हो और पढ़ लो। ये 2-4 साल होते हैं जो आपकी अगली पूरी जिंदगी को ना बनाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये 4-5-6 साल होते हैं यूनिवर्सिटी के और आपकी इंटरमीडिएट के। अच्छा ये लोगों कहते हैं ना कि भाई यार मैट्रिक कर लिया इंटर कुछ नहीं है, इंटर कर लिया तो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी लाइफ निकल गई तो यार बाद की जिंदगी बहुत अच्छी है। भाई सबसे अच्छी लाइफ स्कूल लाइफ है,
मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं तो प्रोफेशनल लाइफ में हूँ ना, तो मैं तो उस वक्त को याद करता हूँ। तो इसीलिए भाई अभी वक्त है, अपने आप को अच्छा कर लोगे तो आगे अच्छा होगा, और अभी अच्छा नहीं होगा ना तो बाद में अच्छा नहीं होगा। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पढ़ लो, थोड़ा सा तो पढ़ लो। तो इंशाल्लाह कल आप लोग मुझे बताओगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या होगा, रिएक्शन विथ हैलोजन क्या होगा, और रिएक्शन विथ नाइट्रोजन क्या होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 3 खत्म करा दूंगा। चैप्टर 3 खत्म होगा तो इससे मुताल्लिक कुछ बातें करेंगे कि पेपर में क्या आएगा, किस तरह से आएगा। फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे अपनी, फिर उसमें मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है भाई, तो किसी का कोई सवाल? चलें फिर इंशाल्लाह कल जो है वो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आपने याद रखना है कि आपने क्या करना है, मेरी क्लास से भाई 5 मिनट पहले ही पढ़ लेना। ठीक है, मैं 5 मिनट लेट शुरू कर दूंगा, मगर पढ़ना जरूर, पढ़ना जरूर कि हाइड्रोजन से क्या रिएक्शन होगा अल्कली मेटल्स का, हाइड्रोजन से क्या होगा और नाइट्रोजन से क्या होगा। तो ये लाजिम पढ़ के आना है आपने इंशाल्लाह कल। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। अगर कोई मसला हो तो हमारा ग्रुप भी बन गया है, तो जो वहां पे मैसेज कर दे वहां पे मैसेज करके पूछ ले, पर्सनली पूछना चाहता है पर्सनली पूछ ले। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।